विद्यार्थि मित्रों और मेरे साथ ही शिक्षक मित्रों, नमस्कार। मेंडल्स क्रॉसेस विथ सेवन कैरेक्टर्स इन पी प्लांट्स के इस प्रेजेंटेशन लेक्चर में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है, ये जो लेक्चर है, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि मेंडल जो है, मेंडल हम जानते हैं, उन्होंने जेनेटिक्स में अपना जो रिसर्च है उसके लिए जो पी प्लांट है उनको चुना था, और उन्होंने पी प्लांट में जो सेवन कैरेक्टर हैं इनका स्टडी किया था। ठीक है, जो हेरिडिटी जो है, पैटर्न है जो कैरेक्टर्स की, वो जानने के लिए। और यहाँ पे ये जो लेक्चर है, इसमें आज जो है हम बात करेंगे कि F1 जनरेशन के जो प्लांट हैं, ठीक है, उसमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक आ रही है, ठीक है, और जो F2 जनरेशन है उसमें जो हमको पता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो 3:1 रेशियो है, ठीक है, तो उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है, कौन सा रिसेसिव है। और आप जानते ही हैं कि जो पूरा जो एक टेबल होता है ना सेवन कैरेक्टरिस्टिक का, तो वो पूरा जो टेबल है उसका भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत कर रहे हैं। देखिए ये जो फिगर है, थोड़ा बड़ा कर देता हूं तो आप देख पाएंगे इसको। इस साइड ला देते हैं। अब देखिए ये जो फिगर है, इसमें यहां पे आप देखिए मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए ये जो प्लांट है, ठीक है, इसमें जो फ्लावर है वो पर्पल कलर का है, और दूसरे किस्म का जो प्लांट है उसमें जो फ्लावर है वो वाइट कलर का है। ठीक है, अब मेंडल ने क्या किया, ये पर्पल और वाइट फ्लावर जो है इनके बीच में क्रॉस फर्टिलाइजेशन किया, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन करने के लिए मेंडल ने जो प्रोसीजर है, जो टेक्निक अपनाई, वो क्या किया उसमें, तो यहाँ पे देखिए लिखा है, देखिए फीमेल पेरेंट, ठीक है, तो यहाँ पे वाइट फ्लावर जो है इसको उन्होंने फीमेल पेरेंट के तौर पे चुना, और जो पर्पल फ्लावर है उसको मेल पेरेंट के तौर पे लिया, ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। अब जो है क्रॉस फर्टिलाइजेशन करने के लिए मेंडल ने क्या किया था, तो यहाँ पे देखिए एंथर्स आर रिमूव, देखिए क्योंकि ये फीमेल पेरेंट है, तो क्या किया उन्होंने मेंडल ने, यहाँ पे जो एंथर्स है तो एंथर्स को रिमूव कर दिया। हम जानते हैं एंथर्स के अंदर ही पोलन का निर्माण होता है, तो यहाँ पे क्या किया गया, वाइट फ्लावर जो है उसमें से एंथर रिमूव कर दी, और फिर ये जो पर्पल फ्लावर है तो इसमें देखिए आप, ये जो है यहाँ पे ये वाली जो है, तो ये सारी एंथर है, और एंथर में से यहाँ से जो पीछे होती है जो ब्रश है, ब्रश की मदद से फिर यहाँ से जो पोलन ग्रेन है, तो यहाँ पे जो फीमेल पेरेंट का जो स्टिग्मा है उसके ऊपर ये पोलन ग्रेन को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया। ट्रांसफ़र करने के बाद आप जानते ही हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है इसको जो न्यूट्रिशन मिलता है उसकी वजह से पोलन ग्रेन जो है उसमें से पोलन ट्यूब बाहर आती है, जिसके अंदर 2 मेल गैमेट होते हैं। ये सारी बातें हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, और फिर किस तरह से मेल गैमेट है और वो ओव्यूल के अंदर जो एग या तो फीमेल गैमेट के साथ में जुड़ के जायगोट बनना और ओव्यूल का सीड में कन्वर्जन हो जाना, ये सारी बातें जो हैं वो हम आगे भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन के जो लेक्चर हैं उसमें वो हम कर चुके हैं। ठीक है, तो अब आपको पूरा आइडिया है कि किस तरह से जो सीड फॉर्मेशन होता है और जो ओवरी जो होती है उसी का कन्वर्जन जो है, उसी का रूपांतर जो है वो पॉड जो है उसमें हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन के बारे में था, तो ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन से क्या मिलेगी, क्रॉस फर्टिलाइजेशन से तो यहाँ पे ये पूरी जो इतनी जो है ओवरी ये पॉड में कन्वर्ट हो जाएगी, और इसके अंदर होंगे सीड,
ठीक है, इसके अंदर जितने भी ओव्यूल हैं वो सब फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे जो पहला जो पॉइंट है, वी कॉल द प्लांट्स यूज इन इनिशियल क्रॉस बिटवीन टू ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स। अच्छा, जो ट्रू ब्रीडिंग का जो मतलब है वो भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था। तो जहाँ से एक्सपेरिमेंट की शुरुआत होती है वो जो प्लांट है उनको हम पेरेंटल या तो पी जनरेशन कहते हैं। ठीक है, ये जो है हमारा जो पहला पॉइंट है। अच्छा, फिर यहाँ पे आगे देखिए, अब दूसरा जो पॉइंट है, तो देखिए वी कॉल द फर्स्ट जनरेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम अ क्रॉस बिटवीन टू ब्रीडिंग प्लांट द F1 जनरेशन। तो हमने क्रॉस ब्रीडिंग करवाया और उसकी वजह से सीड मिले मेंडल को, और फिर वो सीड जो है उनको ज़मीन में उन्होंने बोए, ठीक है, उनका शोइंग किया, वो सीड जो है नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट स्प्रिंग सीजन में उनका जर्मिनेशन हुआ। तो जितने भी प्लांट मिले वो सारे F1 जनरेशन के प्लांट थे, फर्स्ट जनरेशन थे। और ये जो F1 जनरेशन है, यहाँ पे F स्टैंड फॉर फिलियल, यानी फिलियस यानी उसका मतलब होता है सन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये जो है आपको बताए हैं F1 जनरेशन सीड, ये सारे सीड हैं। ठीक है, ये सारे हम देख सकते हैं, ये सारे तो एक पॉड जो है, पॉड के अंदर सारे सीड हमको दिख रहे हैं। और फिर यहाँ पे जो बताया है F1 जनरेशन एडल्ट प्लांट, तो यहाँ पे देखिए ये जो फ्लावर का जो कलर है, तो जो फ्लावर कलर जो है ये देखिए आप, ये यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो हमको दिख रहा है आपको, तो ये जो है देख रहे हैं आप कि भाई F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट मिले मेंडल को, तो वो सारे जो हैं उनमें जो फ्लावर कलर है वो फ्लावर कलर पर्पल होता है। तो हम कह सकते हैं पर्पल कलर का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, और वाइट जो है, वाइट कैरेक्टरिस्टिक जो है, वाइट जो ट्रेट है वो कैसा है, तो वो रिसेसिव है, वो एक्सप्रेस अभी तो नहीं हो पा रहा है ना F1 जनरेशन में। इन शॉर्ट F1 जो जनरेशन है उसमें जितने भी प्लांट हैं वो सभी पर्पल फ्लावर वाले मेंडल को मिले थे। ठीक है, फिर ये जो है, ये देखिए थर्ड पॉइंट, फ्रॉम द वाइट फीमेल पर्पल मेल क्रॉसेस द प्लांट दैट ग्रू फ्रॉम F1 सीड ऑल फॉर्म पर्पल फ्लावर, जो अभी हमने देखा। ठीक है, एज इफ द ट्रेट फॉर वाइट फ्लावर हैड डिसअपीयर। तो F1 जो प्लांट मिले थे मेंडल को वो सारे पर्पल फ्लावर वाले थे। तो यहाँ पे मेंडल ने देखा कि जैसे कि जो वाइट कलर का जो ट्रेट है वो जो है जैसे कि डिसअपीयर हो गया, वो गायब हो गया था। ठीक है, फिर द फ्लावर शोड नो एविडेंस ऑफ ब्लेंडिंग। अब मेंडल को जितने भी F1 प्लांट मिले वो सारे पर्पल कलर के थे, और मेंडल ने देखा कि इसमें कोई ब्लेंडिंग नहीं था। ब्लेंडिंग की मतलब ऐसा है कि ऐसा नहीं था कि मेंडल को जैसे कि पर्पल कलर और वाइट जो है वो थोड़ा मिक्स हो गया, और जो फ्लावर है उनका कलर पिंक हो गया, ऐसा भी नहीं हुआ। या तो फिर ऐसा भी नहीं हुआ कि पर्पल फ्लावर है तो बीच बीच में वाइट स्पॉट मिले, ऐसे भी फ्लावर नहीं थे। तो कहने का मतलब ये जो दोनों जो कलर हैं, ठीक है, वो कोई मिक्सअप भी नहीं हो रहा था, है ना, तो कोई ब्लेंडिंग नहीं था, प्योरली ये पर्पल कलर के ही फ्लावर थे F1 जनरेशन में। फिर मेंडल ने ये दूसरा भी ट्राई किया उन्होंने कि देखिए एग्जैक्टली द सेम रिजल्ट वाज ऑब्टेन फॉर द पर्पल। अब यहाँ पे देखिए पर्पल फीमेल और वाइट वाइट मेल, ठीक है, वाइट जो फ्लावर है उसको भी जब उन्होंने वाइट, तो कहने का मतलब यहाँ से पोलन ग्रेन को ये पर्पल फ्लावर के जब स्टिग्मा पे ले जाएंगे, तो अब जो पर्पल फ्लावर जो है उसकी जो ओवरी है उसमें सीड फॉर्मेशन होगा, तो इसको हम कहेंगे रेसिप्रोकल क्रॉस। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, यानी कि व्यस्त। तो जो व्यस्त तरीके से अगर उल्टे तरीके से किया जाए, वाइट को हम लेते हैं मेल प्लांट के तौर पे और पर्पल को फीमेल के तौर पे लेते हैं, यानी कि वाइट फ्लावर की एंथर जो है इसके स्टिग्मा पे हम
ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसके बावजूद भी यहाँ पे भी फिर से जो पर्पल फ्लावर है इसकी जो हो रही है उसमें सीड फॉर्मेशन होगा, और ये सीड फॉर्मेशन जब इनको जब शोइंग करते हैं ठीक है जी, तो ज़मीन में जब इनको गाड़ा जाता है इन सीड को और फिर जर्मिनेशन होने दिया जाता है, तो भी जितने भी प्लांट प्रोड्यूस हुए इस तरीके से भी, तो वो भी सभी पर्पल फ्लावर जो है वही प्रोड्यूस कर रहे थे ठीक है। और यहाँ पे भी कोई वाइट जो फ्लावर है वो मेंडल को, वाइट फ्लावर वाला कोई प्लांट मेंडल को नहीं मिला था रेसिप्रोकल क्रॉस में भी ठीक है। देखिए अब ये जो फिगर मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें देखिए आपको पूरा जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन किस तरह से मेंडल ने किया उसका जो एक्सपेरिमेंट है, तो पूरी जो प्रोसीजर है पूरी जो मेथड थी मेंडल की ठीक है वो इस फिगर से आपको पता चल जाएगी, क्योंकि ये आगे भी हमने डिस्कस ये सब बातें जो हैं वो की हुई हैं है ना। देखिए अब जो है फिगर, ये जो है फिगर हम देखते हैं फिगर 2.8 ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है एंटागोनिस्टिक पेयर्स और यहाँ पे जो लिखा है अपीयरेंस ऑफ हाइब्रिड डोमिनेंट ट्रेट। तो देखिए यहाँ पे देखिए आप सीड कलर ठीक है येलो और ग्रीन, तो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वो करवाया ऐसे प्लांट जैसे कि जिनके येलो सीड थे और फिर ऐसे प्लांट जिनके जो ग्रीन सीड प्रोड्यूस कर रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अपीयरेंस ऑफ हाइब्रिड है ना डोमिनेंट रेट, तो येलो जो कलर है ठीक है येलो कलर का जो आना वो क्या है डोमिनेंट कैरेक्टर है, कहने का मतलब येलो और ग्रीन जो पी प्लांट है उनके बीच में जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया गया तो F1 के जो सारे जो प्लांट थे वो येलो सीड प्रोड्यूस कर रहे थे। फिर सीड शेप यानी कि सीड की जो सतह है सरफेस है तो राउंड और व्रिंकल, तो उसमें जो सारे जो F1 प्लांट मिले वो राउंड मिले। फिर फ्लावर कलर तो पर्पल और वाइट, तो आप देख सकते हैं F1 के जो भी थे उसमें पर्पल। फिर पॉड कलर ठीक है पॉड कलर यहाँ पे ग्रीन और ये येलो, तो ग्रीन मिले ठीक है, तो ये अच्छा। फिर पॉड शेप राउंड या तो पिंच है ना, तो इनफ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड, तो सारे कैसे हैं इनफ्लेटेड ठीक है। तो फिर स्टेम लेंथ प्लांट का जो हाइट है लॉन्ग और शॉर्ट ठीक है, तो स्टेम की जो लंबाई है यानी पौधा जो है प्लांट जो है उसकी जो ऊंचाई है, तो जो ऊंचाई वाला जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। F1 के सारे जो प्लांट थे वो ऊंचे थे टॉल थे है ना। फिर फ्लावर पोजिशन अलॉन्ग स्टेम ठीक है और अ टिप ऑफ स्टेम ठीक है, तो टिप यानी जो जो यानी जो स्टेम है स्टेम के ऊपर ही फ्लावर हैं तो अलोंग स्टेम कहेंगे, और टिप यानी जो टोच है ठीक है, अगर टिप यानी कि टोच पे अगर हैं तो ये जो देखिए आप, तो फिर यहाँ पे अलोंग स्टेम, तो आप देखिए जो स्टेम के साथ में ही फ्लावर रहते हैं वो जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है ठीक है। तो ये सारे ये 7 कैरेक्टर जो हैं जिनका मेंडल ने पूरा अपना जो रिसर्च है ये 7 कैरेक्टर जो हैं और इनकी हेरिडिटी कौन सा डोमिनेंट है और रिसेसिव कैरेक्टर है वो कब रीअपियर होगा वो हम जानते हैं F2 में होगा, और उनके नंबर्स वगैरह क्या हैं तो वो भी हम आगे देख रहे हैं ठीक है। देखिए ये जो है ये पूरा जो टेबल आप देखेंगे तो पूरा टेबल आप ध्यान से देखिए, तो 7 कैरेक्टर जो मेंडल ने स्टडी किए वो पूरा एकदम आसानी से आपको पता चल जाएगा। तो ये देखिए पेरेंटल स्ट्रेन इसमें कौन सा डोमिनेंट कैरेक्टर है, यहाँ पे देखिए कौन सा रिसेसिव कैरेक्टर है ठीक है। सीड शेप तो सीड जो हैं सीड कैसे हैं स्मूथ हैं तो वो डोमिनेंट, और आप देख सकते हैं व्रिंकल यानी गड्ढे गड्ढे जैसी है ना सतह है, तो फिर वो जो है व्रिंकल सीड जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर है। तो F1 जो थी F1 में जो F1 प्रोजेनी जो है फर्स्ट जनरेशन जो है इसमें सारे जो हैं प्लांट वो
राउंड सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर सीड कलर देखिए, हाँ जो मटर के जो दाने हैं तो देखिए येलो और ग्रीन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं येलो F1 के सारे प्लांट जो हैं वो येलो। फिर फ्लावर कलर तो पर्पल और वाइट, तो आप देखिए F1 के जितने भी प्लांट हैं वो पर्पल कलर के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। फिर पॉड शेप इनफ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड, है ना, तो इनफ्लेटेड का मतलब होता है फूली हुई और कंस्ट्रिक्टेड यानी थोड़ी सिकुड़ी हुई, बीच में थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं पे सिकुड़ी हुई है। तो इनफ्लेटेड जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है और F1 के जितने भी प्लांट हैं जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो सारी जो पॉड है वो इनफ्लेटेड ही होती है, ठीक है। फिर पॉड कलर तो ग्रीन और येलो, तो आप देखिए ग्रीन और येलो जो है तो इसमें ग्रीन जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, F1 के जितने भी प्लांट हैं वो ग्रीन कलर वाली पॉड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए फ्लावर एंड पॉड पोजीशन, तो फ्लावर पॉड पोजीशन में आप देखिए फ्लावर की जो पोजीशन है एक्सियल, एक्सियल का मतलब होता है अलोंग अलोंग द स्टेम, ठीक है ना, तो स्टेम स्टेम जो है स्टेम के ऊपर ही है फ्लावर, ठीक है। और यहाँ पे टर्मिनल जो है, टर्मिनल में आप देख सकते हैं तो देखिए जो एकदम एकदम जो टिप है ना उसकी जो टोच है, तो टोच पे जो फ्लावर होते हैं तो वो टर्मिनल, है ना, टर्मिनल का मतलब होता है छेड़ा अंत, है ना, तो यहाँ पे जो एकदम जो छेड़ा पे है जो एकदम अंत में जो है एकदम टॉप पे है तो वो, तो यहाँ पे आप देखिए ये जो है ये सारे, तो यहाँ पे देखिए एक्सियल, है ना, तो एक्सियल जो है तो F1 के सारे जो प्लांट हैं वो कैसे हैं, वो एक्सियल हैं, ठीक है। फिर स्टेम लेंथ देखिए, है ना, प्लांट की ऊंचाई, तो स्टैंडर्ड और ड्वार्फ यानी ये जो हैं ये कैसे हैं, ये जो हैं ये टॉल है, ठीक है, और ये जो हैं ये ड्वार्फ, तो टॉल जो हैं टॉल जो ट्रेट है टॉल जो फिनोटाइप है टॉल जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है और ड्वार्फ जो है वो रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो F1 के जो प्लांट हैं वो सारे टॉल थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए पूरा, मैं इसको वापस कर देता हूँ तो आप देख लीजिए, ठीक है, ये इस तरह से पूरा आप देख लीजिए, देखिए अब इसके आगे जो है इसमें इसके आगे क्या आता है आपको पता है, अब एक टेबल जो है उसका डिस्कशन आएगा जिसमें जैसे कि पर्पल फ्लावर है, ठीक है, तो F1 में जो पर्पल फ्लावर के जो प्लांट पर्पल फ्लावर वाले जो प्लांट हैं मेंडल को उनके नंबर कितने थे, उनकी संख्या क्या थी वो। फिर F2 में हम जानते हैं कि पर्पल और वाइट दोनों किस्म के प्लांट मिले थे मेंडल को, तो जो F2 में जो पर्पल थे तो पर्पल के नंबर क्या, ठीक है, वाइट के नंबर क्या, उसी तरह से फिर जो टॉल और ड्वार्फ की हम अगर बात करते हैं तो फिर F1 में टॉल प्लांट के नंबर कितने थे, F2 में टॉल प्लांट कितने, F2 में ड्वार्फ प्लांट कितने, वो पूरा जो टेबल है उसका फिर आगे जो है पूरा डिस्कशन करेंगे और पूरा जो लेक्चर है मैंने ये मेरा जो ऐप है इस पे अपलोड कर दिया है, ये पूरा लेक्चर देखने के लिए आप जो है मेरे ऐप पे आइए, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। मेरा नाम मनीष कोष्टी सर है, मैं अहमदाबाद से हूँ, बाय बाय, नमस्ते।